पहली बात जो आरसीएम बंद हुई, मेरा ये मानना है और मुझे लग रहा है हर व्यक्ति ये मानता है और हमने ये सुना है कि सोना कुंदन तभी बनता है जब वो अग्नि से गुजरता है, और जितने भी महान संगठन इस देश में बने हैं या दुनिया में बने हैं वो तभी है जब वो किसी न किसी संघर्ष के बीच से होके निकले हैं। तो हमारे साथ में 2011 में जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था, उसके बारे में कभी सोचा नहीं था। हम सब लोग बिल्कुल एकदम बड़े बड़े विजन के साथ और बड़े टारगेट के साथ में हम लोग काम कर रहे थे, और आप यूं सोचिए कि आपके सामने कोई मंजिल है और आप बढ़े जा रहे हैं और अचानक आपकी गाड़ी में पंचर हो जाए तो सारी की सारी आपकी प्लानिंग, सारे के सारे टारगेट आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वैसे ही कुछ घटना हमारे साथ में हुई। हर व्यक्ति बड़े सपनों के साथ में आरसीएम बिजनेस कर रहा था। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अक्टूबर 2011 में मर्सिडीज बेंज खरीदी थी, जो मेरी एक ड्रीम कार थी। उसकी 80,000 रुपए की ईएमआई थी और नौ दिसंबर को ये सूचना मिली कि भाई किसी वजह से कंपनी जो है बंद हो गई या जांच चल रही है कंपनी की। 9 दिसंबर को ये सूचना आई। 10 दिसंबर को सतीश पंडित जी का बर्थडे रहता है, हम लोग चंडीगढ़ में उसका एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं। तो 10 तारीख को मैं वहां गया, रुका नहीं इस चीज को लेके कि चलो तो टेम्परेरी चीजें हैं, हो जाएंगी ठीक। तो 10 दिसंबर को हमने वो सेलिब्रेट किया तो बहुत सारे प्रश्न आए कि क्या हुआ, क्यों हुआ। तो हमें लगा कि यार शायद संडे बीच में पड़ गया तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम है, तो मंडे को हम लोग दोबारा ओपन हो जाएंगे, लेकिन वैसी स्थिति थी नहीं। देखिए हम लोग ये सब जानते हैं कि जब हम लोग फसल लगाते हैं ना तो फसल के साथ में घास फूस पैदा हो जाता है, खर पतवार पैदा होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके साथ में भी प्रकृति काम करती है। बहुत सारी मनी सर्कुलेशन की कंपनियां पैदा हुई और वो एक दौर था 2010 से लेकर 2012 के बीच में, जब इस प्रकार की कंपनियों की बाढ़ आ गई थी और राजस्थान में ये चीजें बहुत चरम पे थी। तो उसी समय कुछ स्कैंडल हुए बहुत बड़े बड़े राजस्थान में, तो उन स्कैंडल की वजह से कुछ गवर्नमेंट ने ऐसा निर्णय लिया कि जितनी भी कंपनियां, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत लोग जानते नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है इस चीज के, तो ये लगा ये जो भी कंपनियों में लोग मेंबर बनाते हैं तो उन सबको बंद किया जाए। तो उसी के तहत आरसीएम को भी बंद किया क्योंकि भिलवाड़ा में हेड ऑफिस था। लेकिन हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बहुत संघर्ष किया। मुझे याद है कि 12 दिसंबर या 13 दिसंबर की डेट थी जब हम सब लोग भिलवाड़ा में इकट्ठे हुए, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि वो जो एक हमने एक मार्च निकाला भीलवाड़ा में, पुलिस स्टेशन पे जाके हमने ज्ञापन दिया और ये बताया कि हम न तो इन्वेस्टर हैं, क्योंकि जो भी कंपनियां बंद हुई थी उस समय वो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा। तो हमने बैनर के साथ और होल्डिंग के साथ हम लोग गए कि हम ग्राहक हैं, हम संतुष्ट उपभोक्ता हैं, हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। और उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया चली, फिर हमने दिल्ली में 3 दिन का धरना दिया, फिर रामलीला मैदान में हम लोग रहे, फिर जंतर मंतर पे हम लोग कोई काफी लंबा समय, लगभग 14 दिन तक रहे, फिर उद्योग मैदान में रहे। तो ये काफी लंबा सफर हुआ और फाइनली अक्टूबर 2012 में राजस्थान गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी, या मैं यूं कहूं कि आरसीएम की वजह से गाइडलाइन दी तो कोई गलत नहीं होगा, और हम लोग दोबारा स्टार्ट हुए। और एक चीज हुई, देखिए ये जो भी एपिसोड हुआ पूरा का पूरा, इसने पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हिला दिया। पूरी हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ये लगा कि आरसीएम जैसी कंपनी जिसके वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं, एथिकल कंपनी है, कोई आदमी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता, अगर उस कंपनी के ऊपर में कुछ कार्रवाई हो सकती है तो हिंदुस्तान की कोई भी कंपनी सुरक्षित नहीं है। और उसका परिणाम ये रहा कि जो पुरानी एसोसिएशन थी डायरेक्ट सेलिंग की वो बहुत एक्टिव हुई और एक एसोसिएशन बनी डिस्ट्रीब्यूटर्स की पावर को समझते हुए, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन, जिसको हम DSDWA कहते हैं। उसका फाउंडर प्रेसिडेंट बनने का मौका भी शायद मुझे इसलिए मिला बना क्योंकि जो आंदोलन हम सब लोगों ने लीड किया था उसकी वजह से ये लगा कि हम लोग लीड कर सकते हैं। उसके बाद में मैं बड़ी क्लोजली गवर्नमेंट के साथ में जुड़ गया, FDSA फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ में जुड़ा रहा। फिर कुछ समय के बाद फिक्की ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, फिक्की डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स, जो अब भी काम करती, तो उनके साथ में मैं रेगुलर जुड़ा हुआ। और फाइनली फिर गाइडलाइन आई, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आ गया 2019 में, अभी रूलिंग की बातचीत चल रही है। तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन उसने पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी।